Namaskar, beautiful ladies. I hope you all are doing good and you know, you people are at home staying safe. So अब हम सब घर पे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है ना कि यार हम कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीख लें. जैसे ही क्वारंटीन ख़त्म होगा तो हम यू नो बाहर तो जाएंगे घूमने, और फिर हम इतने दिन से तैयार व्यार नहीं हुए ना, तो बहुत मन कर रहा होगा ना कि अच्छे से सज धज के एकदम मस्त तैयार होकर बाहर जाएँ. तो यार ऐसी ही एक छोटी सी ट्रिक ना मैं शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आप जब तैयार हो ना बाहर जाएँ, जब इतने दिन बाद यू नो परफेक्ट हो, एकदम मस्त हो सब कुछ चीज़ें. सो एज यू कैन सी, हाउ इज़ माई लाइनर लुकिंग? आई थिंक इट्स लुकिंग गुड ना. सो मैं बहुत ही सिंपल चीज़ आज बताने वाली हूँ. मैं बताने वाली हूँ हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट विंग लाइनर. ओके, बहुत ज़्यादा विंग नहीं, बहुत कम नहीं, बट इट्स अ परफेक्ट विंग लाइनर अकॉर्डिंग टू मी. तो मैं आज वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. देखो क्या है ना कि लाइनर लगाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट स्टिल सो मेनी गर्ल्स स्ट्रगल्स. ओके, बहुत सारी लड़कियाँ स्ट्रगल करती हैं. मैं भी बहुत स्ट्रगल करती थी, ठीक है. सो आई नो आप लोगों की सिचुएशन में समझ सकती हूँ. ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल यू नो डिस्कस फ्रॉम स्क्रैच कि लाइनर कैसे लगाना है, कौन सी दो तीन टिप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका लाइनर परफेक्ट हो. सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं. हाँ, यू नो इस वीडियो में मैं जिस लाइनर को यूज़ कर रही हूँ फॉर अप्लाइंग दिस विंग लाइनर, दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन. बिकॉज आई लव दिस लाइनर. यू कैन यूज़ एनी ऑफ द लाइनर विच यू हैव. अभी आपके पास जो है आप उससे ट्राई कर सकते हो, बट मतलब मुझे बहुत पसंद है ये पर्सनली. ओके, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. या सो बिफोर अप्लाइंग लाइनर आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ एवरी डे लुक विद मिनिमम अमाउंट ऑफ मेकअप एंड द थिंग्स विच आई हैव यूज्ड. मैंने एक एवरी डे मेकअप का ट्यूटोरियल भी किया था जिसमें मैंने ये मिनिमम अमाउंट ऑफ मेकअप का लुक शेयर किया था. इफ़ यू वॉन्ट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दे दूंगी, यू कैन सी दैट. सो नाउ यू हैव सीन आई हैव जस्ट अप्लाइड द यू नो सनस्क्रीन, बीबी क्रीम एंड लिटिल बिट ऑफ आई शेडो, वेरी लिटिल बिट ऑफ आई शेडो. ओके, सो नाउ वॉट यू कैन डू, हम स्टार्ट करते हैं कि हमें लाइनर कैसे लगाना. टेक द ब्रश एंड जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ योर आई, लाइक आउटर साइड ऑफ योर आई. सबसे पहले आपको आउटर साइड में कुछ नहीं करना, एक लाइन क्रिएट करनी है और एक लाइन को उसको राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करना है. देन उस लाइन को आप क्रिएट करिए और उसको अंदर फिल करिए. बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे ना, दैट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू. उसके बाद क्या करना है कि हमें सिंपली उस जो हमने अपनी लाइन्स बनाई थी उसको बस अंदर फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द लाइनर. सो एज़ यू कैन सी दैट इट्स वेरी सिंपल. अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते हो तो अपने हिसाब से आप जो विंग है उसको मोटा और पतला बना सकते हो. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. सी, मैंने इस वीडियो को स्पीड अप नहीं किया है. मैं चाहती थी कि आप प्रॉपरली देख पाओ कि दोनों आँखों में लाइनर को कैसे अप्लाई करते हैं. बिकॉज बहुत लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि दे कैन ईजिली अप्लाई लाइनर, विंग लाइनर टू वन ऑफ देयर आई, बट दे फाइंड डिफिकल्टी टू अप्लाई लाइनर ऑन द अदर आई. सो दैट्स वाई आई हैव यू नो शोड यू हाउ टू अप्लाई लाइनर इन बोथ द आईज. So as you can check in my left eye also, I have taken, first of all, I have just taken a stroke on the outer side and then filled the complete stroke from outer to inner. That is the best possible way to apply liner. Now you can check the liner in, liners applied in both. See, perfect pink liner is ready. देखो मैं बताऊँ, बहुत सिंपल है ये, कुछ भी खास नहीं करना है. बस दो तीन चीज़ें हैं ना, उनका ध्यान रखो. हमेशा ना ऐसे पतले ब्रश वाला लाइनर यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, डिटेल करना लाइनर को बहुत आसान हो जाता है. आप पेन लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई सिंपली रिलाई ऑन दिस लाइनर. बिकॉज मतलब जो ऐसे पतली सी इसका ये जो ब्रश है कितना थिन है, ये ऑलरेडी आपको ना कहते हैं बेस बना के दे देता है यार. इतना थिन है कि आप उसको अप्लाई करना बहुत आसान होता है, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि आप हमेशा लाइनर चॉइस जो करो ना, बहुत अच्छे से करो, बहुत पतले ब्रश वाला यूज़ करो. यू कैन यूज़ एनी कंपनी, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिक टू लैक्मे. आई लव दिस लाइनर क्योंकि इसका ब्रश, मुझे इससे ज़्यादा एक्यूरेट ब्रश वाला लाइनर अभी तक तो नहीं मिला है. सो आई रिलाई ऑन दिस जब भी मुझे विंग लाइनर बनाना होता है, ठीक है.
सेकेंड चीज़ कि आप हमेशा ना कॉर्नर से स्टार्ट करो. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो क्या होता है कि हम स्टार्ट तो बहुत परफेक्शन से करते हैं पर एंड में आते आते तक गड़बड़ हो जाता है. और यहाँ के आर्क जो होते हैं ना, यहाँ पे इनर पोर्शन पे लाइनर को लगाना थोड़ा आसान होता है इज़ कम्पेयर टू द आउटर पोर्शन. और वो विंग बनाना वही ट्रिक है. तो हमेशा एंड पोर्शन से अप्लाई करो, ठीक है, लाइनर को, तो इट विल बिकम यू नो वेरी इजी फॉर यू. थर्ड थिंग, ट्राई करो जितना पतला हो सके, मतलब जितना इनर लाइन की तरफ लेके बना पाओ वैसे बनाओ. क्योंकि अगर कुछ आड़ा टेढ़ा होता है ना तो यू हैव अ ऑप्शन टू यू नो थिक योर लाइनर. अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही बहुत मोटा बनाया और उसमें लाइन गड़बड़ हो गई ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही यू नो एकदम ही गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, ठीक है ना. तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो. एंड आई होप मैंने आपकी जो लाइनर लगाने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होगा. बिकॉज मेरे को बहुत लोग ने पिंग किया था, मैसेज किया था यू नो इंस्टाग्राम पे कि यार प्लीज़ आप ना लाइनर कैसे लगाते हैं, विंग लाइनर कैसे लगाते हैं, ये चीज़ बताओ. सो आई होप मैंने आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व किया होगा. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो कि बिल्कुल मेकअप नहीं करती है और जो चाहती है कि यू नो बिगनर्स है, दे वॉन्ट टू लर्न the tricks, tips and tricks, so it will be good for them. And mere channel Stay Perfectly Imperfect ko zarur subscribe kariye. And at last but not least, believe in the philosophy of loving yourself.